अनंत विजय, अगर लोकल लीडरशिप बीजेपी की कमजोर थी कर्नाटक में, उसकी वजह से यहां वो विधानसभा चुनाव हार गई, तो जो अभी तीन राज्यों के चुनाव आने वाले हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में तो चलिए शिवराज सिंह चौहान हैं, फिर उसके साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी एक नाम लिया जाता है, छत्तीसगढ़ वहां रमन सिंह हैं, लेकिन रमन सिंह को अब बहुत दिनों से देखा नहीं गया है, थोड़ा पर्दे के पीछे रहते हैं, राजस्थान वहां पर कांग्रेस में फूट है, लेकिन बीजेपी में वसुंधरा राजे का इक्वेशन क्या है आलाकमान के साथ, यह भी सबको पता है। यानी यही समस्या कर्नाटक वाली, क्या बाकी राज्यों में भी बीजेपी के लिए खड़ी होने वाली है क्या? अब ये तो आने वाले चुनाव में पता चलेगा मानक जी कि राजस्थान में वसुंधरा जी के साथ क्या होता है, लेकिन अभी मैंने देखा कि प्रधानमंत्री जब गए थे वहां तो वसुंधरा जी उनके ठीक बगल में बैठी थी मंच पे। तो अब हो सकता है कर्नाटक से कुछ भारतीय जनता पार्टी सबक ले और लोकल लीडरशिप को मजबूत करने का काम करे, लेकिन मुझे अभी, मैं जब सलभ और विनोद जी की बातें सुन रहा था तो अटल जी को सब लोग याद कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। काश अटल जी के जीवन काल में भी लोग अटल जी को इसी तरह याद कर लिए होते तो अटल जी बहुत संतुष्ट होते। उस समय अटल जी को तो पता नहीं क्या कमजोर और घुटना कमजोर और जाने क्या क्या चीजें हम ही जैसे लोगों ने उनके लिए प्रयोग किया था। आज अटल जी हमें बहुत अच्छे लगते हैं। तो कोई भी व्यक्तित्व या किसी भी व्यक्तित्व का जो कृतित्व होता है वो समय सापेक्ष होता है, समय किस प्रकार से उसका आकलन करना होता है ये देखना पड़ता है। हो सकता है कल को योगी जी प्रधानमंत्री बन जाए तो हम लोग नरेंद्र मोदी जी की बड़ी तारीफ करें कि नरेंद्र मोदी जी बड़े उदार मना थे और वो बहुत सबको साथ लेकर चलते थे। तो खैर ये सब चर्चा की बात है, लेकिन एक बात जो मुझे अभी इस चर्चा में बहुत अच्छे से समझ में आई, जो चरण सिंह सपरा जी ने कही, कि हमारे यहाँ भी बहुत सारे विवाद थे लेकिन हमने उसको सुलझा के एक नजर आए। तो मैं तो चूंकि जिस पेशे में हूं मुझे लगता है कि वहां शब्दों का बड़ा महत्व होता है, तो नजर आए तो एक नजर कब तक आएंगे ये सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी की है। और मैं सुबह से कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती कर्नाटक में वहां मुख्यमंत्री चुनने की है। अगर उनको 136 सीट आया बहुत अच्छी बात है, उनको बधाई भी दे रहे हैं सब लोग, लेकिन राजनीति को किनारे बैठकर देखने के कारण मैं ये सोचता हूं कि क्या डीके शिवकुमार इतनी आसानी से सिद्धरमैया जी के लिए छोड़ देंगे सीट, या सिद्धरमैया जी के पुत्र ने तो परिणाम भी नहीं आए थे और रुझान आए थे तो आपके साथ ही बैठा था मैं जब उन्होंने कह दिया था कि हमारे पिताजी को ही मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो जब इस तरह की महत्वाकांक्षाओं की टकराहट बढ़ेगी तो इस 136 को टूट फूट होने में ज्यादा समय लगेगा नहीं। इस बारे में कांग्रेस नेतृत्व अभी 6:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं 6 मिनट बाद, देखते हैं उनका क्या रुख होता है। लेकिन कांग्रेस के लिए जीत के साथ एक बहुत बड़ी चुनौती, जैसे कहते ना कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़े, तो अब हो सकता है ये मुहावरा किसी को कर्कस भी लग सकता है, लेकिन जो अभी सबसे बड़ी चुनौती उनको नेतृत्व की है और मुझे लगता है कि अगर इसको ठीक ढंग से टैकल कर लिए तो जो विनोद जी कह रहे थे कि आपको काम करके दिखाना पड़ेगा इतने दिनों तक, वो अगर काम करके दिखा पाए तब 24 के बारे में बात करें तो थोड़ा ज्यादा असर पड़ता है। विनोद जी अंग्रेजी के पत्रकार है, अंग्रेजी में बोला, मैं बिहार का हूँ, बिहार में कहा जाता है कि करनी देखो मरनी बेरिया, तो जब काम करके आप दिखाएंगे तब 2024 में आप उसकी बात करें तो ज्यादा अच्छा। बिल्कुल सही है।